आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुवाहाटी से न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट के बारे में। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 2249 गुवाहाटी न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। गुवाहाटी से न्यू दिल्ली की दूरी है 1901 किलोमीटर। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर घंटा। मैक्स परमिसेबल स्पीड है 130। ये ट्रेन नेवरा स्टेशन यानी दानापुर के आगे से नेवरा स्टेशन से लेके छिपिया बुजुर्ग गाज़ियाबाद के एक स्टेशन पीछे तक 130 की स्पीड चलती है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति गुवाहाटी से वेडनेसडे और सैटरडे के दिन चलती है। चलिए दोस्तों अब इसका रूट देखते हैं। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति गुवाहाटी से चलती है। गुवाहाटी से वह ट्रेन कामाख्या आती है। कामाख्या से आने के बाद यह ट्रेन गोलफारा टाउन होके जाती है। ये गोलफारा टाउन है। गोलफारा टाउन से यह ट्रेन न्यू बनीगांव जंक्शन आती है। यहाँ से ये रंगिया वाला रूट को पकड़ लेती है। फिर हम इस रूट पर जब आगे बढ़ेंगे फकरी ग्राम जंक्शन होते यह ट्रेन आ जाती है न्यू अलीपुर द्वार। न्यू अलीपुर द्वार से जब हम आगे बढ़ेंगे न्यू कोच बिहार होते यह ट्रेन चली आती है न्यू जलपाईगुड़ी। ये आ गई न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी से यह ट्रेन किशनगंज की तरफ जाएगी। अलुआबाड़ी रोड होते ये ट्रेन आ जाती है किशनगंज। किशनगंज से जब हम आगे बढ़ेंगे किशनगंज से यह ट्रेन आ जाती है कटिहार। बारसोई जंक्शन से आ जाती है कटिहार। ये कटिहार आ गई। कटिहार से फिर इस रूट पर आगे बढ़ेंगे तो मानसी खगड़िया वाले रूट पर हम लोग आएंगे। थाना बीपुर जंक्शन होते हुए मानसी आती है ट्रेन। मानसी के बाद खगड़िया। खगड़िया से यह ट्रेन साहेबपुर कमाल लाखो लखमिनिया होते बरौनी जंक्शन। पहले यह ट्रेन मोकामा पटना होकर जाती थी लेकिन अब यह ट्रेन बरौनी से टेघड़ा बछवारा होते शाहपुर पटोरी होकर जाती है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति शाहपुर पटोरी होते हाजीपुर आती है। हाजीपुर से सोनपुर, सोनपुर से पाटलिपुत्रा आती है। पाटलिपुत्रा आने के बाद वो ट्रेन दानापुर आती है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। दानापुर से फिर यह नेवरा, नेवरा से 130 यह ट्रेन स्पीड चलती है। 130 की स्पीड से नेवरा स्टेशन से चलती है। नेवरा से आरा, आरा होते पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति बक्सर आती है। बक्सर आने के बाद दिलदार नगर, दिलदार नगर होते हुए यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जब हम आगे बढ़ेंगे तो चुनार जंक्शन आती है ट्रेन। चुनार से मिर्ज़ापुर, ये समय नॉन स्टॉप चलती है चुनार मिर्ज़ापुर में, इस समय नहीं रुकती है ट्रेन। फिर आ जाती है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन से यह ट्रेन कानपुर सीधे रुकती है क्योंकि नाम से ही आप लोग जानने होंगे पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है, इसलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज बहुत ही कम है। तो यहाँ पर देखिए कानपुर आती है। कानपुर से गोविंदपुरी जंक्शन होते हुए पनकी धाम होते हुए ये ट्रेन सीधे अलीगढ़ वाले रूट पे चलती है। कानपुर से लेकर के न्यू दिल्ली तक इस ट्रेन का एक भी स्टॉप नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। इटावा, इटावा से आगे दोस्तों ध्यान रखना, ये ट्रेन का कानपुर से लेकर के न्यू दिल्ली के बीच में एक भी स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप चलती है। टुंडला, टुंडला से हाथरस, हाथरस से अलीगढ़ आती है। अलीगढ़ से खुर्जा, खुर्जा के बाद गाज़ियाबाद आती है। गाज़ियाबाद आने के बाद यह ट्रेन साहिबाबाद से फिर इधर घूमती है। आनंद विहार के बगल से यह ट्रेन गुजरती है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। जैसे ही यहाँ तिलक ब्रिज के पास आती है तो इधर से हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ से रेलवे लाइन आ रहा है, वह भी लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये फाइनली न्यू दिल्ली तक आती है ट्रेन। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति न्यू दिल्ली तक अपना जर्नी ख़त्म करती है। न्यू दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक ये ट्रेन चलती है।